Hello dear friends, today we are going to make these two bottles, these two Buddha bottles, and for this we need glue. We'll just mix water in this. So you need any waste glass bottles. You can take sauce bottle, apply glue and water mixture on it and start pasting tissue paper. टिश्यू पेपर की जगह यू कैन टेक न्यूज़ पेपर ऑल्सो. सो आप इसको धीरे धीरे इस पेपर्स को अप्लाई करते जाइए. देन कीप अप्लाइंग ग्लू ऑन इट. इसको ब्रश के साथ आप स्मूथली लगाते जाइए और अपना टिश्यू पेपर को टियर करके आप इस पर पेस्ट करके नीटली ग्लास बॉटल्स को रेडी कीजिए. Now, I have pasted this Buddha's cutout on this bottle with glue. Paste it properly. मैंने इसको हाथ से फाड़ कर, I have not cut it with scissors. और इसके बाद मैं एक glue का layer दे रही हूँ इसके ऊपर ताकि इसमें हल्का shining आ जाए. You can apply Fevicol or you can just skip that step. ज़रूरी नहीं है कि आपको ऊपर एक layer देना है. मैंने मोड पोच का यूज़ किया है, इससे थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट आ जाता है. अदरवाइज़ अगर आपके पेपर में थोड़ी शाइनिंग है तो आप इसको सिंपल पेपर को कटिंग करके भी लगा सकते हैं. ऐसे ही मैंने सेम दूसरी बॉटल पे भी अप्लाई किया है. दोनों को मैं थोड़ा डिफरेंट बनाऊंगी. एक पे क्ले वर्क है और एक पे मैं एमसिल के साथ वर्क करूंगी. नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर इन दीज टू बॉटल्स. सो आई मिक्स लिटिल बिट डार्कर येलो and keep applying in one bottle. आप इसमें थोड़ा टेलकम पाउडर मिक्स करके थोड़ा एक थिक पेस्ट बना सकते हैं कलर का और इसको आप इजीली इस पर टेलकम पाउडर की जगह आप कोई आपके पास वॉल पुट्टी या कुछ भी पाउडर है आप वो मिक्स कर सकते हैं. तो टेलकम पाउडर तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है सबके घर पे, तो आप टेलकम पाउडर भी लगा सकते हैं. किसी भी कलर में एक्रेलिक पेंट में आप टेलकम पाउडर को मिक्स करके आप उसको थोड़ा सा टेक्सचर वाला इफेक्ट अगर कहीं देना चाहते हैं तो आप उसको अप्लाई कीजिए. आप अपनी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग बैकग्राउंड कलर देंगे. अगर आपके पास जो भी आपने फ़ोटो सेलेक्ट की है गूगल से, जो भी इमेज ली है आप उसके अकॉर्डिंग, या आपने अपने माइंड में क्या सोच के रखा हुआ है तो आप उसके अकॉर्डिंग, आप पीछे अगर ग्रासी इफेक्ट दिखाना चाहते हैं तो आप ग्रीन भी दे सकते हैं. अपनी फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग आप उसमें बैकग्राउंड में कलर अप्लाई करेंगे. I'm giving little bit darker effect. पेपर को बहुत अच्छे से पेस्ट करेंगे. अगर आपको लग रहा है हल्का फुल्का कहीं उठा हुआ है तो आप उसको दोबारा फेविकोल लगाकर अच्छी तरह. अब मैं थोड़ा सा गीले के ऊपर ही ये ब्रश की बैक साइड से इसके ऊपर ब्रिक्स का इफेक्ट दे रही हूँ. यू कैन गिव दिस ऑल्सो. और आप पीछे कुछ और भी पैटर्न बना सकते हैं. If you want to give this effect, you can. Brush की back side से मैंने इसको बनाया है. आप कोई भी आप stick ले सकते हैं. Keep applying paint on the top. Now let start another bottle. Here I'm applying dark shade in the background again. I'm using red and black color here. First, you need to cover your bottle with tissue paper and then paste any image on that. Even you can paste your photograph also on the bottle. If you want to gift it someone, you can just paste his or her photograph on that and paint the background. Now, it is almost dried. So, I'm using my homemade clay. I'm going to put the description of this clay in the description box so that you can make that at home. अगर आपको ये क्ले थोड़ा सा, देखो बनाने में थोड़ा सा ये मेहनत वाला काम है, बट आप बहुत कम प्राइस में इतना क्ले को बना सकते हैं. काफ़ी अच्छी आपकी क्ले बन जाती है ये.
बट अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना झंझट हम नहीं करना चाहते, तो यू कैन गो फॉर मोल्डेड। आप मार्केट से, स्टेशनरी शॉप से मोल्डेड ले लीजिए, और दो उसमें दो पैकेट्स आते हैं, उन दोनों को आपको मिक्स करके उसका यूज़ करना होता है। मैं नेक्स्ट बॉटल पे मोल्डेड का ही यूज़ करूँगी, सो आपको पता चल जाएगा कि मोल्डेड को क्यों कैसे यूज़ करते हैं। वो भी सूख के पत्थर बन जाती है। तो आप, मैं इस बुद्धा के बैक साइड पे ट्री बनाकर उसकी ब्रांचेस को मैंने ऊपर तक बनाया है, बॉटल के नेक तक बना है। सो विल जस्ट मेक स्मॉल ब्रांचेस ऑल्सो। यहाँ पे आप वुडन टेक्सचर देने के लिए आप कोई पेन ले लीजिए, स्टिक ले लीजिए, विल जस्ट स्टार्ट मेकिंग दिस। आप इसको कॉम्ब के साथ भी बना सकते हैं, अगर आप कॉम्ब का भी यूज़ करेंगे तो देट विल बी ऑल्सो ओके, बट यू कैन यूज इवन पेन ऑल्सो। मेक लीव्स, लीव्स में से साइड्स कट्स देकर आप लीफ का पैटर्न बना सकते हैं। दूसरी बॉटल में मैं शिल्पकार का यूज कर रही हूँ। इसमें आपको दोनों, एक वाइट और एक ग्रे कलर में शिल्पकार रहेगा, दो पैकेट्स होते हैं एक बॉक्स में। तो आपको इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके, अगर आपको लग रहा है ये बहुत स्टिकी है तो यू कैन टेक टेलकम पाउडर। आप अपने टेलकम पाउडर के साथ इसको अपने हैंड्स पे लगा के फिर मिक्स कर सकते हैं। आई एम यूजिंग रोलिंग पैन। मुझे बुद्धा की ड्रेस पे अब जो है शिल्पकार से वर्क करना है, तो मैं इसको एक पॉलिथिन में रख कर शिल्पकार को, और मैं रोलिंग पैन से इसको फ्लैट कर रही हूँ। अब मुझे इस, मैं हैंड को भी इसमें कवर कर दूँगी, एंड आई एम मेकिंग दिस ड्रेस पार्ट ऑफ बुद्धा विद दिस शिल्पकार, क्योंकि हम ये वाला वर्क हम क्ले से नहीं कर सकते, क्ले में ब्रेकेज आने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। जो हमारी क्ले कट करने के बाद एमसिल बच गई, आई एम गोइंग टू री यूज दैट अगेन। मैं उसको बाकी बची हुई एमसिल के साथ मिक्स कर कर मैं उसको वापस से यूज़ कर रही हूँ अगेन। उसको बेल कर आप ऐसा प्रिंसेस भी बना सकते हैं, बैक साइड उसका बनाइए, और ऐसे गाउन बहुत सुंदर बनता है एमसिल के साथ। मैंने एक बॉटल एमसिल, वो मैंने होममेड क्ले के साथ गाउन की मैंने बॉटल बनाई हुई है। आई विल पुट दैट लिंक आल्सो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं क्ले, होममेड क्ले और उस बॉटल का, दोनों का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। सो अगर आपको लग रहा है कि इसको थोड़ा फिनिशिंग देना है, तो आप टेलकम पाउडर अपने फिंगर्स पे लगाकर आप एमसिल को, ये जो आपका शिल्पकार है, इसको आप बहुत स्मूथ कर सकते हैं। अगर आप अपने हाथ पे पाउडर लेकर इसको हल्का सा ऐसे रब करेंगे, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट और नीटली निकल आएगा। मेरे हाथ में क्ले टूल हैं, अगर आपके पास क्ले टूल नहीं है आप कोई भी पेन को यूज़ कर सकते हैं, पेन की बैक साइड यूज़ कर सकते हैं। अभी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, आप ब्रांचेस पे अपनी पसंद का कलर करेंगे, एंड लीव्स में जो भी कलर आप देना चाहते हैं आप वो कलर करेंगे। यू कैन ऐड ऑन फ्लावर्स ऑल्सो। आप अगर इधर ट्री पे कुछ फ्लावर्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, यू कैन ऐड दैट ऑल्सो। और जो दूसरा बुद्धा की ड्रेस है, उसमें आप ऑरेंज और रेड कलर की मिक्सिंग से यू कैन फिल कलर इन हिज ड्रेस। कहीं पे आपको बैकग्राउंड में रीटच देना है, यू कैन डू दैट ऑल्सो। नाउ दीज आर ड्राइड। अब इसमें आप कुछ गोल्डन कलर से या किसी से भी कुछ इंप्रेशन देना चाहते हैं, हल्का सा फिंगर पे आप स्पॉन्ज पे लगाकर यू कैन गिव इंप्रेशन विद दैट।
जहाँ पर टिश्यू पेपर लगा होगा वहाँ पे भी इम्प्रेशन जो है इन गोल्डन सिल्वर एक्रेलिक पेंट से बहुत अच्छा इम्प्रेशन आता है। अभी मैं 3D आउटलाइनर से पीछे बैकग्राउंड में बुद्धा जी के बैकग्राउंड में सन का इफेक्ट दे रही हूँ छोटी छोटी रेज़ बनाकर।